दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि जियो एयर फाइबर का नेट स्पीड आप लोग कैसे बढ़ाओगे। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं भी जियो एयर फाइबर का कनेक्शन लिया हूँ और इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि कुछ दिन अगर आप लोग इसका यूज करोगे तो आप लोग का जो नेट स्पीड होता है ना वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो इस जो मशीन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इसको आप लोगों को रीसेट करना होता है अगर आप लोग का अच्छा स्पीड चाहिए तो। अगर आप लोग जियो कस्टमर सर्विस के पास भी कॉल करते हो तो अभी लोग यही बताएंगे कि आप लोग अपने मशीन को रीसेट करो। ये रीसेट कैसे होगा वो चीजें मैं आप लोग से बताऊंगा। और दोस्तों मैं आप लोग से बता दूं कि आप लोग का 100% नेट स्पीड जो होगा वो पहले से बेहतर हो जाएगा और अच्छा आपको स्पीड मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको रीसेट करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, इसका जहां पे भी प्लग होगा ठीक है ना इसको क्या करना है ऑफ कर सकते हो या इसको आप लोग एक बार निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको निकाल दिया और उसके बाद फिर से आप लोग इसको लगा देना है, ठीक है, या ऑन ऑफ इसे आप लोग कर सकते हो। करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रेड लाइट यहाँ पे जल जाएगा। रेड लाइट जलने के बाद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। रेड लाइट जलने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर यहाँ पे ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 1 से 2 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद आप लोग का जो ये मशीन होगा ना वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग का जो नेट स्पीड होगा वो आप लोग देखना कि 100% इंक्रीज हो जाएगा। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मैं इसका यूज मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के लिए ही करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग से बता दूं कि मेरे साथ भी हमेशा प्रॉब्लम होता था कि जब मैं वीडियो अपलोड करने के लिए जाता था तो 1 MB/s देता था, 2 MB/s देता था, लेकिन अगर आप लोग रीसेट करोगे तो अगर आप लोग 30 MB वाला प्लान लिए होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 3 MB, 4 MB, 5 MB तक पर सेकेंड यहाँ पे आप लोग के स्पीड मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेड लाइट जो होता है वो ब्लिंक होता है, ठीक है। थोड़ा देर वेट करोगे तो ग्रीन हो जाएगा और जब ग्रीन हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोग कनेक्ट करके देख लेना कि आप लोग का जो होगा ना वो नेट स्पीड पहले से बहुत ही अच्छा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने जियो एयर फाइबर का जो होता है नेट स्पीड बढ़ा सकते हो, अपने मशीन को रीसेट कर सकते हो। ऐसा काम आप लोग डेली भी कर सकते हो। अगर आप लोग का जो नेट स्पीड है वो स्लो होता है तो सुबह में एक बार कर सकते हो या दिन में एक बार आप लोग कर देना, ठीक है। इसको ऑन ऑफ कर देना यानी इसको रीसेट कर देना, देखना कि आप लोग का ऑटोमेटिक नेट स्पीड पहले से काफी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। कोई प्रॉब्लम होता है जियो एयर फाइबर में तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है।